नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री राम मंदिर के निर्माण के द्वितीय अध्याय से जुड़ी महत्वपूर्ण कई जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि अब क्या हो रहा है मंदिर का निर्माण कार्य तथा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पश्चात कितना हुआ परिवर्तन तथा परकोटा व मंदिर निर्माण कब तक होगा पूर्ण रूप से निर्मित। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल अर्थात श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों पश्चात रामलला विराजमान हुए हैं, जिसका साक्षी संपूर्ण विश्व बना। अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अत्यंत अद्भुत है। विश्व भर से फैले करोड़ों राम भक्त अब अपने आराध्य के दर्शन को अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात पहली बार मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शनिवार को आरम्भ हुई, जिसमें निर्माण कार्यों को गति देने पर चर्चा हुई। वहीं रामनवमी से पहले यात्री सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिर के प्रथम तल पर भव्य राम दरबार की स्थापना की समय सीमा दिसंबर 2024 तय हुई है। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों व कार्यदायी संस्था के इंजीनियरों के साथ निर्माण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र ने चर्चा की। बता दें कि लगभग 20 दिनों के अंतराल के पश्चात मंदिर निर्माण का शेष कार्य आरंभ हो चुका है, जिसमें कि मुख्य रूप से राम मंदिर के परकोटे का कार्य पूर्ण किया जाएगा। 795 मीटर लंबे परकोटे का निर्माण 50% तक कार्य पूर्ण हो चुका है। मंदिर के निचले चबूतरे पर आइकोनोग्राफी के माध्यम से पत्थरों पर मूर्तियों को उकारने का कार्य भी हो रहा है। प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि जन्मभूमि परिसर में सप्त मंडपम की परिकल्पना शीघ्र ही साकार होगी। परिसर में एक बड़े आकार का मंडप बनाया जाएगा। इसमें श्री राम के समकालीन 7 पात्रों के छोटे छोटे मंदिर होंगे। यही नहीं, सप्त मंडपम में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी व माता अहिल्या के मंदिर भी होंगे। बता दें कि ट्रस्ट समयबद्ध निर्माण के प्रति गंभीर है, और इसी क्रम में 70 एकड़ के श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में कुबेर टीला तक संपर्क मार्ग भी बन रहा है। यात्री सुविधा केंद्र का 50% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य मार्च के अंत तक पूरा करने की योजना है, तथा दूसरे चरण की कार्य योजना के अनुरूप 8 एकड़ के राम मंदिर के परकोटे से बाहर श्री राम जन्मभूमि परिसर के शेष भूभाग पर निर्माण कार्य किए जाने पर विचार किया गया। इस क्रम में यज्ञशाला, ऑडिटोरियम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य प्रमुख है। रामलला के दर्शनार्थियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए यह सभी तय किया गया है कि मंदिर के शेष निर्माण कार्य की सामग्री लेकर के आने जाने वाले वाहन को रात में ही प्रवेश दिया जाए। बता दें कि कार्यदायी संस्था L&T व टाटा कंसल्टेंसी की मशीनों को इंस्टॉल कर दिया गया है। क्रेन भी लगाए जा चुके हैं। निर्माण कार्य बीते रविवार से ही आरंभ हो चुके हैं। दूसरे फेज के निर्माण कार्यों को गति बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है कि राम जन्मभूमि में 4 प्रवेश द्वार बनने हैं। 3 का कार्य अभी शेष है। इन 3 प्रवेश द्वारों के निर्माण के लिए नाप जोख आरम्भ हो चुका है। UPRNN को प्रवेश द्वार की डिजाइन बनाने का दायित्व सौंपा गया है। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि प्रदेश सरकार ने गत वर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के संचालन का दायित्व ट्रस्ट को सौंप दिया था। इस दायित्व के अनुरूप ट्रस्ट संग्रहालय को नया कलेवर देने के प्रति गंभीर है। अनिल मिश्र के अनुसार इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र राजकीय निर्माण कार्यों के मध्य निर्बाध दर्शन की कार्य योजना भी तैयार की गई है। मंदिर के प्रथम व द्वितीय तल के कार्य पर राजा राम के दरबार का कार्य अब आरंभ हो चुका है, तथा यह दिसंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। चूंकि स्नान पर्व व मेलों की विशेष तिथियों पर 5 लाख या इससे अधिक भी श्रद्धालु अयोध्या आए तो इन्हें नव्य मंदिर में रामलला के दर्शन सुगम तरह से कराए जा सकेंगे।
जिला प्रशासन ने इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अगले ही दिन 23 जनवरी जैसे हालात की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। वर्तमान समय में प्रतिदिन 1 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं। शनिवार, रविवार व मंगलवार को यह संख्या बढ़ करके 2 से 3 लाख तक भी पहुंच जाती है। 23 जनवरी को 5 लाख से भी अधिक राम भक्तों के दर्शन के लिए उमड़ने की अप्रत्याशित स्थिति से सबक लेते हुए प्रशासन ने कई प्रकार की व्यवस्था किए हैं। ऐसे में अब प्रतिदिन सामान्य तौर पर 1 से 3 लाख तक श्रद्धालु आराम से बिना किसी व्यवधान के रामलला के दर्शन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि राम मंदिर में बालक राम के सामने रखे हुए 6 दान पात्रों में चढ़ावे की धनराशि की गिनती हुई। भारी भीड़ के चलते 10 दिनों पश्चात यह खोले गए, जिसमें बड़ी संख्या में आभूषण आदि भी पाए गए। लगभग 1 करोड़ से अधिक का चढ़ावा राशि दान पात्रों में पाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कीमती सोने चांदी व अन्य धातुओं के जेवर भी थे। यह भी बता दें कि दिव्य भव्य नव्य अयोध्या धाम अब सदैव जगमगाता ही रहेगा। रामलला के मंदिर में तो अनवरत बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए 1, 2 नहीं अपितु 3-3 सब स्टेशनों से उन्हें जोड़ा गया है। किसी भी एक लाइन से आपूर्ति में व्यवधान पर पलक झपकते ही दूसरे लाइन के माध्यम से श्री राम मंदिर को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि प्रभु श्री रामलला पल भर के लिए भी अंधेरे में ना रहें। मंदिर के साथ ही साथ अयोध्या की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी खास तौर पर नजर रखे जा रहे। पावर कॉरपोरेशन ने 167 करोड़ रुपए से 3-3 सब स्टेशन ऋण मोचन घाट, राम की पैड़ी व साकेत से श्री राम मंदिर परिसर को बिजली आपूर्ति बनाए रखने की व्यापक व्यवस्था की है। बता दें कि बिजली की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता को भी बढ़ाने पर कार्य हो रहा है। शहादतगंज से नया घाट तक राम पथ मार्ग पर बिजली के तारों का जाल न दिखाई दे, इसके लिए डक्ट बना करके 33 केवी से लेकर के 11 केवी व LT लाइनों को पूरी तरह से भूमिगत किया गया है, तथा 67 करोड़ रुपए से नगर के 12 सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि कराए जाने के साथ ही 261 ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाया जा रहा है। वैसे हमें आप यह अवश्य बताएं कि आपने अभी तक रामलला के दर्शन किए या नहीं। यदि नहीं किए तो कब कर रहे हैं, और कर लिए तो अपना दर्शन अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, और हम यह सभी कार्य केवल और केवल इसलिए स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसके लिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री राम मंदिर के निर्माण के द्वितीय अध्याय की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।